ओथर अपने लाइफ की एक इवेंट के बारे में बताते हैं। जब वो 8 साल के थे तब एक बार वो दुकान से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। उनके हाथ में एक क्वार्टर का सिक्का था जिनसे वो खेलते हुए जा रहे थे, लेकिन अचानक ही वो सिक्का उनके हाथ से गिर के गटर में चला जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी गटर से वो सिक्का नहीं निकलता और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। घर पहुंचते ही वो सारी बात अपने फादर को बताते हैं। उनके फादर उनसे कहते हैं कि बेटा तुम्हें पैसों से नहीं खेलना चाहिए, पर थोड़ी देर बाद उनके दादाजी उनको बुला के कहते हैं कि बेटा प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारा एक सिक्का खो गया, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास वो ही एक सिक्का था जो खो गया। और इस छोटी सी बात ने ओथर का पैसों की ओर देखने का पूरा नजरिया बदल दिया। ओथर कहते हैं कि वो एक चैरिटी इवेंट में गए थे और वहाँ हर कोई जितने हो सकते थे उतने पैसे डोनेट कर रहा था, लेकिन सारे पैसे कलेक्ट करने के बाद भी उन लोगों के पास $1 million कम थे उनके गोल तक पहुँचने के लिए। लेकिन तभी क्राउड से एक आदमी उठा और $1 million का चेक साइन करके दे दिया और सब लोग बहुत खुश हो गए। तभी ओथर ने रियलाइज किया कि दुनिया में हर इंसान उस आदमी जैसा बनना चाहेगा। अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप एक लैम्बोर्गिनी खरीद ले या किसी आइलैंड पे रहे। अमीर बनने का मतलब है कि आप अपनी और दूसरों की हेल्प कर पाए। ओथर कहते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है दूसरों की जेब से अपना पैसा निकलवाना, यानी कि ये समझना कि who's got my money। रिच बनने के लिए इसे समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, नहीं तो आप भैंस के सामने बिन बजाते रह जाओगे। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि मेहनत तो बहुत करता हूं, बट पैसे नहीं आ रहे, बस यहीं पे फॉल्ट है। आपने कभी टीवी पे फेरारी लैम्बोर्गिनी जैसी स्पोर्ट कार की एड देखी है? कभी नहीं देखोगे, क्योंकि वो टीवी एड चलाते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो लोग टीवी देखते हैं उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो उनकी कार खरीद सके। अमीर लोग बहुत स्पेसिफिक होते हैं, वो पहले अपने कस्टमर्स को फाइंड करते हैं, वो किसी को भी अपना सामान बेचने नहीं निकल जाते क्योंकि वो जानते हैं कि हर कोई उनका सामान नहीं खरीदेगा। जनरली हम वेल्थ को पैसों से नापते हैं। अगर कोई इंसान ज्यादा पैसे अर्न करता है तो हम उसे ज्यादा अमीर मानते हैं और कम पैसे अर्न करने वाले को कम अमीर मानते हैं। लेकिन पैसों के अलावा भी दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी भी इंसान की ट्रू वेल्थ डिफाइन करते हैं, जो है टाइम एंड मोबिलिटी। आज की डिजिटल एज में सिर्फ पैसे ही वेल्थ नहीं रहे, बल्कि पैसा, समय और कभी भी कहीं भी जाने की आजादी आपको अमीर बनाती है। मान लो दो आदमी है, एक का नाम है लियाम और दूसरे का ईथन। लियाम एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है जहां उसे हर महीने 90,000 रुपए मिलते हैं, जबकि दूसरी तरफ ईथन एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके महीने के 60,000 कमा रहा है। अब मैं अगर आपको पूछूं कि इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन होगा तो ऑलमोस्ट सब लोग कहेंगे लियाम, क्योंकि उसकी इनकम ईथन से ज्यादा है। अब ये आंसर तब तक ही सही है जब तक हम उनकी एब्सोल्यूट इनकम को कंपेयर करें, पर क्योंकि एक्चुअल में हर चीज रिलेटिव होती है ना कि एब्सोल्यूट, इसलिए अब इन दोनों की रिलेटिव इनकम कंपेयर करें तो लियाम हफ्ते के 50 घंटे काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ ईथन बस 15 घंटे काम करता है। जिसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो लियाम को हर घंटे के लिए 450 रुपए मिलते हैं, जबकि ईथन को हर घंटे के लिए 1,000 रुपए मिलते हैं। अब सोचो कौन ज्यादा कमा रहा है। हमारा टाइम हमारे लाइफ की सबसे कीमती चीज होती है, जिससे रिलेट करके देखे तो यहाँ ईथन ज्यादा अमीर है क्योंकि वो लियाम से पूरे 35 घंटे कम काम करता है। अब आप ही सोचो वो हर हफ्ते वो 35 घंटे में कितना कुछ कर सकता है, जैसे कि वो उस टाइम में नई स्किल सीख के अपना बिजनेस बिल्ड कर सकता है जिससे उसकी इनकम भी बढ़ेगी और वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपनी हेल्थ को भी टाइम दे सकता है, जिसके रिटर्न में उसकी लाइफ का हैप्पीनेस लेवल इंक्रीज होगा। जबकि लियाम के लिए ये सारी चीजें करना मुश्किल होगा क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम होगा। एक कॉन्सेप्ट है जिसे जियो आर्बिट्रेज कहते हैं, वो इस कंपैरिजन को और इंटरेस्टिंग बना देता है। जियो आर्बिट्रेज मतलब दो मार्केट के बीच के इकोनॉमिक डिफरेंस का फायदा उठा के हायर रिटर्न जनरेट करना, मतलब महंगे से महंगे शहर से कमा के सस्ते से सस्ती जगह पर रहना। क्योंकि लियाम महंगे शहर में लोकेटेड एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है जहां उसे हर रोज आना जाना पड़ेगा, इसलिए उसका घर अपनी ऑफिस के आसपास होना बहुत जरूरी है। जबकि दूसरी तरफ ईथन ऑनलाइन बिजनेस करता है, इसलिए वो अपना काम ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में कहीं से भी कर सकता है, जिसके लिए उसे और कुछ नहीं बस एक लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए। दूसरी तरफ क्योंकि लियाम को डेली ऑफिस जाना पड़ता है, इसलिए उसके आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा और ऑफिस के पास घर लेके रहने का खर्चा उसे बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि वो और उसकी कंपनी दोनों एक महंगे शहर में लोकेटेड है, जिसकी वजह से लियाम ज्यादा कमाने के बाद भी कोई सेविंग नहीं कर पाता। जबकि दूसरी तरफ ईथन क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं पे रह के भी अपना काम कर सकता है, इसलिए वो अमेरिकन डॉलर में कमाता है और रहता बाली इंडोनेशिया में है जहां उसके खर्चे बहुत ही कम होते हैं। जितने पैसे में लियाम बस एक बार अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकता है, उतने पैसे में ईथन 4 बार रेस्टोरेंट जाके खाना खा सकता है और वो भी सेम स्टैंडर्ड का, जिससे ईथन की सेविंग भी बहुत ज्यादा हो पाती है। और ये मार्केट के इकोनॉमिक डिफरेंस का फायदा उठा के अपनी वेल्थ बिल्ड करना सिर्फ ईथन के लिए ही पॉसिबल है क्योंकि वो इंटरनेट से बिजनेस करता है। एक्चुअल में इंटरनेट से ऑटोमेटेड इनकम पाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो 3 सबसे पॉपुलर तरीके हैं उसमें पहला है खुद का कुछ प्रोडक्ट या कंटेंट बना के इंटरनेट पे बेचना, दूसरा अपने प्रोडक्ट या आइडियाज को लाइसेंस करा के उससे रेवेन्यू जनरेट करना, और तीसरा चीजों को रीसेल करना जिसे ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। समझो आपको एक रीसेलर बनना है तो सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा जो आप किसी भी होलसेल वेबसाइट जैसे कि अलीबाबा से या कोई मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट खरीद सकते हो, जिसके बाद आप उस प्रोडक्ट को एज इट इज या उससे थोड़ा बेटर बना के बेचो। जैसे कि अगर टी शर्ट है तो आप उस पर प्रिंटिंग करके उसे अपनी खुद की वेबसाइट या तो फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी साइट पे सेलर बन के बेच सकते हो और काफी सारा प्रॉफिट जनरेट
जनरेट कर सकते हो। अब जितना इजीली मैंने ये बोल दिया उतना इजी ये काम नहीं होगा, पहले आपको बहुत सी चीजें सीखनी पड़ेगी, लेकिन एक बार आपको पूरी सिस्टम समझ में आ गई तो आप सारे काम को आउटसोर्स करके ऑटोमेटेड इनकम अर्न कर सकते हो। काम को आउटसोर्स करने का आइडिया पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था। मैं जब भी अमीर लोगों को देखता तो वो हर छोटे मोटे काम के लिए किसी दूसरे इंसान को रखते, जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर, घर के काम करने के लिए नौकर, और मुझे लगता कि वो ये सब बस शो ऑफ करने के लिए करते हैं और वो खुद काफी लेजी होते होंगे जो छोटे मोटे काम भी खुद से नहीं कर सकते। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि ज्यादातर रिच मेंटालिटी के लोग नौकर रखते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, ना कि शो ऑफ करने के लिए। उन्हें अपने टाइम की वैल्यू पता होती है, उन्हें पता होता है कि जितना टाइम वो ड्राइविंग और छोटे मोटे कामों में लगाएंगे उतने ही टाइम में वो अपना काम कम्प्लीट करके वो सारे नौकरों की पगार से भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसलिए आपको भी हमेशा वही काम करना चाहिए जो बस आप कर सकते हो और जिसमें आप एक्सपर्ट हो, और बाकी सारे काम आपको आउटसोर्स कर देने चाहिए। एक गरीब मछुआरा समुद्र में मछलियां पकड़ने का काम करता था। वो अपनी गरीबी के लिए अपने हालात को कोसता रहता था। एक दिन उसके शहर में अमीर आदमी को व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया, जिसके चलते उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ा। ये जान के वो गरीब मछुआरा मन ही मन बहुत खुश हुआ कि अब इसे पता चलेगा कि गरीबी क्या चीज होती है। अब वो अमीर आदमी उस गरीब मछुआरे के घर के पास ही एक छोटे से घर पे किराए से रहने लगा। अब ये दोनों सुबह उठकर मछलियां पकड़ने जाने लगे। एक दिन उन दोनों को बहुत सारी मछलियां मिली, जिसे बेचकर उन दोनों को काफी पैसे मिले। अब वो जो पहले अमीर आदमी था उसने उतने ही पैसे खर्च किए जितनी उसे जरूरत थी, बाकी पैसे उसने बचाए। वहीं दूसरी तरफ वो गरीब मछुआरे ने सारे पैसे अपने शौक पूरे करने में खर्च कर दिए। अगले दिन वो गरीब मछुआरा अकेले ही मछली पकड़ने जाता है, जबकि वो रिच माइंडसेट वाला आदमी उसने बचाए पैसों से दो और लोगों को अपने साथ काम पे ले जाता है। अब ये तीन लोग मछलियां पकड़ रहे थे, वहीं वो गरीब मछुआरा पहले की तरह अकेले ही मछलियां पकड़ रहा था। इन तीनों ने मिलकर उस अकेले मछुआरे से कई गुना ज्यादा मछलियां पकड़ी। उस अमीर आदमी ने इस बार भी वही किया, जितनी उसे जरूरत थी उतने ही पैसे खर्च किए और बाकी पैसे बचाए। धीरे धीरे करके उस रिच माइंडसेट वाले आदमी ने बहुत सारे लोगों को अपने काम पे रखा और देखते ही देखते मछलियों का बहुत बड़ा अमीर व्यापारी बन गया, जबकि वो गरीब मछुआरा गरीब का गरीब ही रह गया, क्योंकि उसने पहले अपने आप को पे नहीं किया। पे योर सेल्फ फर्स्ट का मतलब है आप जितना भी कमाते हो उसका कम से कम 10% हिस्सा सेव करो और बाकी बचे 90% से ही अपनी जरूरतें पूरी करना सीखो। ज्यादातर लोग पार्किंसंस लो का शिकार होते हैं, मतलब जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उनके शौक और खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो उन बचाए पैसों को तब तक प्रोटेक्ट करो जब तक उसे इन्वेस्ट करने की सही अपॉर्चुनिटी ना मिले। शार्क टैंक के होस्ट डायमंड जोन कहते हैं कि एक दिन 24 साल का लड़का मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या आप मुझे पेंटिंग को लेकर कुछ नया सिखा सकते हो। डायमंड ने बोला कि इस फील्ड के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस नहीं दे पाऊंगा। इस पर उस लड़के ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, और थोड़ी देर में वहाँ एक गाड़ी रुकी एस्टन मार्टिन जिसमें उस लड़के का ड्राइवर था। इस पर डायमंड जोन काफी हैरान रह गए और उसने उस लड़के से कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारी लाइफ ठीक ही चल रही है, पर वैसे अभी तुम करते क्या हो। तब उस लड़के ने कहा कि वैसे तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे यूट्यूब पे 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, जहाँ हर संडे मैं एक लाइव पेंटिंग बनाता हूँ और उस पेंटिंग को टी शर्ट पे प्रिंट करवा के सिर्फ एक दिन के लिए बेचता हूँ, जिसे मेरे लॉयल फैंस खरीदते हैं। मैं उन टी शर्ट का प्राइस 1,000 से 4,000 तक रखता हूँ। पिछले साल हमने करीब 10 करोड़ का बिजनेस किया था। पेंटिंग्स बनाना मेरी स्ट्रेंथ है और उसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा उस स्ट्रेंथ को शार्प करने के लिए लोगों से फीडबैक लेके सीखता रहता हूँ। अब ये बात पक्की है कि आप हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखो तो यूजुअली यही होता है कि वो किसी एक चीज में दुनिया में सबसे बेस्ट होते हैं। मिडिल क्लास ये मानते हैं कि फॉर्मल डिग्री से ही अमीर बना जा सकता है, वहीं अमीर लोग ये मानते हैं कि अमीर होने का रास्ता स्पेसिफिक नॉलेज है। कहीं अमीर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपनी दौलत कुछ खास नॉलेज को सीख के बनाई होती है। अमीर लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो कुछ ऐसा सोच पाते हैं जो PhD किए हुए भी कभी सोच नहीं पाते। अमीर लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम सोल्व करो और पैसे कमाओ और ये रिपीट करते जाओ जब तक आप अमीर ना हो जाओ। यही फोकस उन्हें एक दिन अमीर बना देता है, जिसे मिडिल क्लास फिर लक का नाम देते हैं। जब आम लोगों को ज्यादा अमीर होना होता है तब वो मास्टर्स और PhD करते हैं, लेकिन सबसे एफिशिएंट तरीका ये है कि वो प्रॉब्लम सोल्व करना सीखना जो और कोई अभी तक नहीं कर पाया। जितना बड़ा प्रॉब्लम सोल्व करेंगे उतनी ही बड़ी आपकी इनकम होगी। अमीर लोग सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, उन्हें बुक्स पढ़ना और दूसरों से सीखना पसंद होता है। इसलिए जिम रोन कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन आपका घर चला सकती है, लेकिन सेल्फ एजुकेशन आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों अब ये चारों पॉइंट को समराइज करके बताऊं तो फर्स्ट पॉइंट था कि एक रिच माइंडसेट वाला आदमी किसी को भी अपना सामान बेचने नहीं निकलता। वो पहले अपने आप से पूछता है कि हूज गॉट माय मनी, मेरे पैसे किसके पास है, और फिर उसी ऑडियंस को टारगेट करता है। दूसरी बात हमने सीखी कि एक अमीर आदमी इंटरनेट और दो मार्केट के बीच के इकोनॉमिक डिफरेंस यानी कि जियो आर्बिट्रेज का फायदा उठा के पैसे कमाता है। थर्ड पॉइंट में अमीर मछुआरे के एग्जांपल से हमने देखा कि अपनी इनकम का कम से कम 10वां हिस्सा सेव करो और फिर उसे अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करो। और लास्ट पॉइंट में उस यूट्यूबर आर्टिस्ट के एग्जांपल से हमने सीखा कि कैसे कोई अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करके कोई स्पेसिफिक फील्ड में अपने आप को सबसे यूनिक बना के पैसे कमा सकता है। तो
दोस्तों, ये सारी बातें मैंने किस बुक से सीखी है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि आप उसे नहीं पढ़ोगे। इसलिए अभी जो सीखा बस उसे अप्लाई करना स्टार्ट कर दो।